मैं इस वक्त भारतीय एथलेटिक्स के गोल्डन जेनरेशन के साथ हूँ, लगातार कॉमनवेल्थ में कमाल कर रहे हैं। और प्रियंका, सबसे पहले आपको, लोग आप पे शायद यकीन ना कर रहे हो, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में सबसे पहले इस रेस के बारे में, वॉन्टैग को 4 किलोमीटर तक जैसे आपने पकड़ा हुआ था, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्ट्रेटेजी थी, यहाँ भी यही थी कि पहला 4 किलोमीटर फास्ट जाना है? 10 किलोमीटर में एक्चुअली टाइम ही नहीं है सोचने का कि पहले जाना है या बाद में जाना है, वो तो खींचना ही है, शुरू से लास्ट तक खींच के ही रखना है। तो मैं पहली 200 देखी थी मैंने, बहुत स्लो गई थी, तो मैंने सोचा पता नहीं ये माउंटेन पीछे क्यों चल रही है, लेकिन मेरे को मेरा टाइमिंग से मतलब था कि ये नहीं देखना था कि कौन मेरे आगे चल रही है कौन पीछे, तो मेरा जो टाइमिंग था वो मैंने टारगेट किया कि मुझे हर लैप इतना टाइमिंग में निकालना है और 43+ मुझे रेस लगानी है, तो वो मेरा कंप्लीट हुआ। प्रियंका, आपके बारे में आज दुनिया को जानना चाहिए, आपने लड्डू गोपाल हाथ में रखा हुआ है, सिल्वर मेडल, आपके लाइफ का बेस्ट मोमेंट है ये? जी बिल्कुल, लाइफ का बेस्ट मोमेंट है, मैंने ओलंपिक्स में भी इनको तिरंगे की ड्रेस पहनाई थी, लेकिन लड्डू गोपाल को, जी भगवान कृष्ण, हाँ जी, तो उस टाइम मेरा झंडा ऊपर नहीं जा पाया था, लेकिन आज वो सपना पूरा हुआ और मेरे साथ ये भी पोडियम पर खड़े थे। प्रियंका, आपको मुजफ्फरनगर में भी और यूपी में भी, क्योंकि मैं उस इलाके में रहता हूँ गाजियाबाद में, आपको काफी वहां सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन नेशनल स्टेज पे, ग्लोबल स्टेज पे इस तरह की पहचान, आपके लाइफ का बेस्ट मोमेंट? हाँ, मेरा बेस्ट मोमेंट है क्योंकि मैं रेस वॉकिंग में मेडल ले पाई, जिसको मेरे गांव में भी अच्छे से नहीं जानते बिल्कुल। अपने गांव को, मुजफ्फरनगर में कौन सा गांव आपका? मेरा गांव सागड़ी है। सागड़ी, हाँ, मेरे गांव वाला एक ग्रुप है, तो उसमें भी आज मैसेज आया था कि हमारी बेटी का आज इवेंट है करके, तो मैंने आने से पहले वो पढ़ा, तो मेरे को मेरा पूरा गाँव बैठ के देखेगा प्रियंका, अच्छा करना है बस अब, तो मेरे को अच्छा लगा कि मेरे पूरे गांव को पता है कि आज मेरा इवेंट है यहाँ पे। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि शायद इस मेडल से अभी पूरे इंडिया में हर एक जानेगा कि रेस वॉकिंग भी कुछ होता है, और मैं चाहती हूँ कि बढ़ के लोग आए और रेस वॉकिंग में, यूपी में आपको करते हैं, लेकिन और गाँव से आए और ये रेस में हम भारतीय अच्छा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इस मेडल के बाद शायद उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि रेस वॉकिंग में भी इंटरनेशनल लेवल पे मेडल आ सकता है, क्योंकि हमारा टेक्निकल इवेंट है, काफी जजेस पे भी डिपेंड होता है, तो अभी वो लोग सुनेंगे कि हाँ मेडल लिया है तो हम भी ले सकते हैं।